अभी ये देख सकते हैं मस्जिद में क्लीनिंग काम हो रहा है दोस्तों, काफ़ी बहुत ही बढ़िया और ख़ूबसूरत मस्जिद है ये देख सकते हैं आप। ये भाई साहब बड़ी मशीन के ज़रिए से काम कर रहे हैं, ये काफ़ी बड़ी मशीन है ये और मस्जिद भी काफ़ी बहुत बड़ी है माशाल्लाह। ये देखें पूरी एकदम क्लीन से पूरा सफाई हो जाता है, एक कंकर भी बाकी नहीं रहता। देखें कितना खूबसूरत तरीके से कितना अच्छा क्लीन करते हैं, मस्जिद का काम है बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा काम है। ये देखिए कितना बड़ा खूबसूरत मस्जिद है, हाँ देख सकते हैं। अभी ये पूरी मस्जिद एकदम इसी तरीके से इसी मशीन से भाई ने क्लीन कर दी है, देख सकते हैं काफ़ी बहुत ही खूबसूरत और बहुत बड़ी मस्जिद है दोस्तों। ये कतर की, ये लोसेल सिटी की मस्जिद है, बहुत ही प्यारी बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर बैठने में काफ़ी बहुत आपको बहुत ही सुकून मिलेगा। देखिए कितना अच्छा इन्होंने क्लीन किया है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह के घर का काम है दोस्तों, एकदम सुकून ही सुकून है। दुनिया भी बन जाती है, आखिरत भी बन जाती है आपको। हज़ारों लोग रोज़ाना इसमें नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं और जो यहाँ क्लीनिंग काम करने वाले रहते हैं उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, उनको खुश करते हैं, उनको हदिया देते हैं, माशाल्लाह। दोस्तों गल्फ़ में सैलरी के अलावा टिप्स कितना मिलता है, कैसे मिलता है, कब ज़्यादा टिप्स मिलता है, किस तरीके से मिलता है, ये पूरी जानकारी आपको देंगे। तो इसके लिए मस्जिद क्लीनिंग जॉब इन गल्फ इन कतर, और इसके अलावा दोस्तों सैलरी, एक्स्ट्रा टिप्स, गिफ्ट्स, क्या कुछ एक्स्ट्रा आपको मिलता है दोस्तों, वो सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। और इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो में आपको सारी डिटेल मिलेगी, आईडी फ्री, रूम फ्री, फूड फ्री, कंपनी की तरफ से टिकट भी फ्री, ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी दोस्तों। अभी मैं यहाँ पर देखें मस्जिद के बाहर भी खड़ा हुआ हूँ, तो अभी एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद जो आप पहले वीडियो में देखे हैं, क्लीनिंग काम चल रहा है और पूरा आपको डिटेल्स आपको जानकारी मिलेगी, बहुत फ़ायदा होगा। चलिए पूरी वीडियो बताते हैं, पूरी वीडियो देखें आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी इंशाल्लाह। दोस्तों मस्जिद क्लीनिंग जॉब में सिर्फ एक महीने में 5 लाख टिप्स कैसे मिला, वो भी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और चूंकि मैं यहाँ पर कतर में हर मस्जिद जाता हूँ, यहाँ पर क्लीनिंग काम करने वाले जितने हमारे भाई, इन सब से मिलता हूँ, उनकी पूरी हिस्टोरी में जानता हूँ दोस्तों, उनके साथ मेरा मिलना जुलना काफ़ी अच्छा होता है, तो वो लोग काफ़ी अच्छे तरीके से मेरे साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और मैं जानता भी हूँ। ये दोस्तों पूरी जानकारी आपको मिलेगी, आप भी आना चाहें तो आपको बहुत फायदा होगा। पूरी वीडियो देखें, एक महीने में 5 लाख 6 लाख टिप्स कैसे मिलता है, कहाँ मिलता है, किस तरीके से मिलता है, पूरी जानकारी मिलेगी और आपको काफ़ी बहुत फायदा होगा। देखिए माशाल्लाह ऐसे ही पूरी मस्जिद क्लीन होती है, काफ़ी अच्छी कंपनी है एकदम। मस्जिद में हूँ, भाई साहब क्लीन कर रहे हैं, इंशाल्लाह काम जैसे ही उनका ख़त्म हो जाएगा तो उनसे बात करते हैं कि अभी फ़िलहाल क्या सिचुएशन है और नए नए लोग इस कंपनी में किस तरीके से आ रहे हैं, पूरी डिटेल से आपको बताएंगे कि जो भी मेरे भाई मस्जिद में क्लीन काम कर लेके आना चाहते हैं, बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही अच्छी बात है, इंतहाई अच्छी बात है। 1000 कामों से 1 लाख कामों से सबसे बेस्ट काम ये है दोस्तों, क्योंकि ये अल्लाह के घर का काम है, बहुत ही सुकून का काम है, बहुत ही खुशी का काम है, इसमें दुनिया भी बन जाती है, आखिरत भी बन जाती है। और अल्लाह ताला माशाल्लाह आपको इतना नवाजते हैं, इतना नवाजते हैं दोस्तों, आपकी सोच होगी। जो भी मेरे भाई गल्फ़ आना चाहते हैं बाहर कंट्रियों में, कोई भी कंट्री में हो, ख़ासतौर से अगर इन कंट्रियों में कतर में आना चाहते हैं दोस्तों, तो मस्जिद का काम से बेहतर कोई काम नहीं है, सबसे बेहतर है मस्जिद का काम। अगर आपको ये काम मिल जाता है कोई भी कंपनी में हो, मस्जिद क्लीनिंग कंपनियां काफ़ी बहुत सारी हैं, किसी भी कंपनी में अगर आपको काम मिल जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं है दोस्तों, बहुत ही सुकून का काम है, बहुत अच्छा काम है। देखें भाई भाई क्लीनिंग काम करें, देखें माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी इनसे बात भी करेंगे तसल्ली से और पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे दोस्तों। वैसे हज़ारों लाखों लोग आते हैं काम के लिए गल्फ, लेकिन सबसे बेहतर काम, सबसे अच्छा काम, सबसे खूबसूरत और सुकून वाला काम, और पैसा ही पैसा आपके लिए, सैलरी के अलावा भी आपको इतना पैसा मिलेगा कि आपकी तमन्ना पूरी हो जाएगी, इतना पैसा अल्लाह दे देते हैं। क्योंकि कोई भी मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने के लिए दूर दराज से छोटे बड़े हर किस्म के लोग, बड़े बड़े मालदार भी आते हैं, अरबी भी आते हैं, विजिटर्स आते हैं, तो इसमें अल्लाह ताला आपको नवाज देते हैं, दे दिया करते हैं, आपकी झोली भर देते हैं अल्लाह पाक, समझे दोस्तों। यही इतना प्यारा काम है, जब अल्लाह के घर का आप काम करेंगे तो अल्लाह आपको ऐसे ही ज़ाया नहीं करेंगे, है ना, अल्लाह भी आपको देंगे, लेकिन दिल से करना चाहिए,
एक तो ड्यूटी तो है ही, ड्यूटी के अलावा भी दिल से काम करेंगे आप, अल्लाह आपको बहुत कुछ नवाजेंगे इंशाल्लाह। अभी भी काम चल रहा है, काफ़ी बड़ी मस्जिद है ना, तो क्लीनिंग काम करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसमें दो आदमी हैं, इसमें एक आदमी अंदर है एक आदमी बाहर है, तो अभी फिलहाल आप देख लें इस तरीके से। वैसे जो मस्जिद छोटी होती है उसमें एक ही आदमी होता है क्लीनिंग काम करने वाला, जो बड़ी मस्जिद होती है उसमें दो आदमी कभी तीन आदमी होते हैं, और ज़्यादा बड़ी होगी तो उसमें चार आदमी भी होते हैं। माशाल्लाह कोई टेंशन का बात नहीं है। देखिए भाई साहब अभी थोड़ी देर के लिए रुके हुए हैं यहाँ पर, वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ, बहुत ही प्यारी वीडियो है, बहुत ही अहम वीडियो है। काफ़ी बहुत सारे लोग इस वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे मस्जिद क्लीनिंग काम के बारे में। आज मैं सुबह सवेरे निकल चुका हूँ, एक बहुत ही प्यारी और बहुत बड़ी और खूबसूरत मस्जिद में आया हुआ हूँ। ये लोसेल सिटी की बहुत ही प्यारी मस्जिद है, तो अभी नई मस्जिद बनी है, ये तकरीबन एक साल डेढ़ साल हुआ है। काफ़ी बड़ी भी है और बहुत ही खूबसूरत भी है, बहुत सुकून है यहाँ पर। यहाँ पर क्लीनिंग काम के बारे में वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। तो जैसा कि आपने देखा, और भाई से भी पूरे डिटेल से अभी बात करते हैं कि इस कंपनी में या इस तरह की और भी कंपनी में किस तरह की फैसिलिटी होती है और कितनी सैलरी होती है। इससे पहले भी वीडियो बनाया हूँ मैं, लेकिन कंपनियाँ अलग अलग है ना, हर कंपनी की अलग अलग वीडियो बनाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए इनसे बात करते हैं और पूरी डिटेल से बताते हैं कि मस्जिद क्लीनिंग काम गल्फ़ में, कतर में किस तरीके से होता है और क्या कुछ पूरी तफसील है, पूरी जानकारी आपको देंगे। बहुत ही मज़ा आएगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा आपको, तो ज़रूर पूरी वीडियो देखें, काफ़ी आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों वीडियो को स्किप मत करें क्योंकि आपका फ़ायदा बहुत होगा। हाँ दोस्तों देख सकते हैं कि अभी मैं भाई साहब के पास बैठा हुआ हूँ, अभी इनसे बात करते हैं। जी कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। कैसा है तबीयत आपका? ठीक है, सब अच्छे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जी, और सुनाइए तबीयत कैसा है? सब अच्छे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी आप छुट्टी में जाने वाले थे? अभी जाएगा, ईद के बाद में जाएगा। ईद के बाद जाएगा, मैं यानी मतलब लास्ट टाइम कब गए थे छुट्टी में? दो साल पहले? दो साल हो गया, दो साल हो गया, दस बारह दिन हुआ दो साल। हाँ यानी मतलब तकरीबन दो साल हो गए हैं, दो साल से अभी तक नहीं गए हैं, अभी जाने वाले हैं छुट्टी में। माशाल्लाह कैसे, आपको टिकट फ्री है? टिकट फ्री है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कंपनी टिकट देगा और मैं जाएगा। जी जी, कंपनी की तरफ से टिकट भी फ्री है। माशाल्लाह, और आपका ये कंपनी में आप कितने साल से हैं? अभी तो साढ़े पाँच साल, साढ़े पाँच साल हो गया। मैं तो तकरीबन आपको देख रहा हूँ, तकरीबन दो साल से तो देख रहा हूँ, इधर ही दो साल से काम कर रहा हूँ। हाँ इस मस्जिद में दो साल से, क्योंकि मस्जिद भी दो साल से ही दो साल रेडी हुआ है ना। हाँ, दो साल से थोड़ा ज्यादा है, और ज्यादा है माशाल्लाह। अच्छा, तो इससे पहले भी आपकी वीडियो बनाए थे, आज एक थोड़ा सा एक डिफरेंट कुछ टॉपिक पर बात करते हैं ताकि बहुत लोगों को फायदा होगा इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइए कि आपकी कंपनी में ये क्लीनिंग काम के अलावा और कौन सा काम होता है? बहुत काम है, बहुत काम मतलब होता है। कंस्ट्रक्शन का काम होता है, इलेक्ट्रिशियन का होता है, जी जी, प्लम्बर का, मतलब सप्लाई, मालूम ना जितना काम होता है कातर में सब में, सबका आदमी है अपना कंपनी में। जी बोलिए। जी जी, नहीं कंपनी में काम होता है, बहुत सारा काम होता है, बहुत सारा होता है, कंस्ट्रक्शन का काम है। यानी अगर किसी आदमी को कोई भी लाइन का काम चाहिए तो पूरा काम मिल जाता है? पूरा काम मिल जाएगा। जी जी, अच्छा। इधर तो खुद का काम नहीं है, सप्लाई देता है आदमी। अच्छा अच्छा, जिधर काम चाहिए अगर कोई बोलेगा तो मेरे को कंस्ट्रक्शन का आदमी चाहिए। यानी आपका कंपनी का अपना, आपका कंपनी दूसरा कंपनी को आदमी देता है? दूसरा कंपनी को आदमी देता है, जो क्लीनिंग का है खुद का है, जो कंस्ट्रक्शन का बाहर का इलेक्ट्रिशियन का वो दूसरा, वो दूसरा है। यानी इनकी कंपनी में जो है, जो क्लीनिंग काम है वो डायरेक्ट खुद कंपनी का काम है, और कंपनी के क्लीनिंग काम के अलावा जो काम है वो काम बाहर से, बाहर की कंपनी वालों से लेते हैं, वहां जाकर के इस कंपनी के आदमी काम करते हैं ना। तो माशाल्लाह माशाल्लाह काफी अच्छा लगा। तो ये बताइए कि अभी नया नया आदमी आ रहा है आपकी कंपनी में? बहुत आ रहा है, बहुत आ रहा है, बहुत आ रहा है। अभी मेरा जो मुदीर है वो नेपाल गया था आदमी लेके आने के लिए, लगभग 50 आदमी आ गया। और कितना कितना? 50 आदमी आ गया, 50 50। अभी और आने वाला है, अब मेरा मुदीर आ गया, अभी आदमी आने वाला है। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई साहब देखें, आप जैसा कि आपको बहुत बहुत भाई हमारे पूछ रहे थे मस्जिद क्लीनिंग काम हमको भी चाहिए करके, देखें इस कंपनी में नए नए आदमी काफी, बहुत सारे लोग अभी भी आ रहे हैं। वो आदमी के लिए खुद जाता है? अच्छा, वो खुद जाता है, जो बिग मुदीर है वो खुद जाता है नेपाल में। 15-16 दिन था, अभी फिर आ गया, पिछले मंडे आया था। अच्छा माशाल्लाह, पिछले मंडे आया। आज 10 जून है दोस्तों, 2024 10 जून है। देखिए भाई बता रहे हैं कि इस कंपनी में ना, मुश्किल नहीं, तो इसमें आकर के अभी भी नए नए लोग काफी बहुत सारे आ रहे हैं, तो इसमें जो भी भाई मस्जिद क्लीनिंग काम के लिए आना चाहते हैं या इस कंपनी में आना चाहते हैं
तो ये कंपनी काफी बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत बेहतरीन कंपनी है भाई से, भाई साहब से ही। लेकिन डायरेक्ट विषय से आना पड़ेगा, इधर से। अच्छा। जो फ्री विषय होता है ना, इधर से नहीं लेगा आदमी। अच्छा अच्छा, ऐसा डायरेक्ट नेपाल से नहीं तो इंडिया से आदमी आना पड़ेगा डायरेक्ट। अच्छा अच्छा, डायरेक्ट इंडिया और पाकिस्तान नेपाल का विषय खुला है अभी, सिर्फ बांग्लादेश का विषय अभी बंद है। अच्छा, बांग्लादेश का बंद है। वो तो गाना, केनिया, मतलब जितना कंट्री सबका विषय भी खुला है, बांग्लादेश का विषय थोड़ा सा बंद है। अच्छा, तो इंडिया से नेपाल से जो भी लोग आना चाहते हैं ये डायरेक्ट आना पड़ेगा। डायरेक्ट मतलब खुद के वीजा से? खुद का मतलब नेपाल से इधर विषय लाया आना पड़ेगा, मतलब इधर से कंपनी में विषय नहीं, इधर फ्री विषय वाला आदमी है ना वो लोग कंपनी में नहीं आ सकते हैं। नहीं आ सकता है। अच्छा 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 अच्छा, देखे हैं एक जरूरी बात भाई ये बता रहे हैं, जो भी लोग इस कंपनी में आना चाहते हैं डायरेक्ट वहीं से मैन पावर के जरिए से, कोई एजेंट के जरिए से इस कंपनी में आप कोई भी काम के लिए आ सकते हैं। अगर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि किसी दूसरी कंपनी में आते हैं खुद के वीजे से, यानी आज़ाद वीज़ा बोलते हैं ना उसको, आज़ाद वीज़ा ममनू है वो यहाँ पर, वैसे कि दूसरी कंपनी में आते हैं फिर उस कंपनी से इस कंपनी में आके काम करना चाहते हैं ना, वैसे आदमी को ये कंपनी वाले काम नहीं देते हैं। अगर आना है तो डायरेक्ट नेपाल से, डायरेक्ट इंडिया से इस कंपनी में डायरेक्ट आना पड़ेगा, ऐसे ही लोगों को इस कंपनी में लेते हैं। ये कंपनी की माशाल्लाह बहुत ही स्पेशलिटी है, खूबसूरती है माशाल्लाह। तो अभी इसमें कितना सैलरी मिलता है, बेसिक सैलरी? बेसिक तो पहले के जैसे 1000+300 देता है। 1000+300 है। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। तो लेकिन उसमें भी काम के ऊपर है ना, काम के ऊपर? अभी क्लीनिंग, क्लीनिंग का 1000+300 है। आप जो दूसरा काम है ना उसमें आपका काम मालूम है तो सैलरी ज्यादा देगा, ज्यादा है। अगर आपका काम मालूम नहीं है लेबर में आएगा तो आपको 1000+300 ऐसे देगा। अगर आपको कुछ भी काम नहीं आता है, कुछ भी आप नहीं सीखे हैं, क्लास ऑफ टाइम है, कम से कम 2 घंटा करके वो टाइम देता है, वो टाइम मिलता है। मेरा क्लीनिंग का 4 घंटा करके रहता है, दूसरा जो काम है इलेक्ट्रिशियन मेंटेनेंस उसका, उसमें 2 घंटा रहता है, 2 घंटा ओवर टाइम रहता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसमें एक कंपनी में टाइम पर सैलरी मिल जाता है? टाइम पर, अभी फ्राइडे सैलरी आ गया, फ्राइडे सब कुछ बंद रहता है, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, कोई प्रॉब्लम, यानी कंपनी बहुत अच्छा कंपनी है अल्हम्दुलिल्लाह। इस कंपनी में जितने लोग हैं सब खुश हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छी कंपनी है। अच्छी अच्छी कंपनी के बारे में बहुत से लोग पूछते रहते हैं, बहुत से लोगों को पता नहीं होता है, उल्टी सीधी कंपनी में आते हैं और यहाँ करके फंस जाते हैं, ना उनको सैलरी मिलती है, ना खाना मिलता है, ना रूम सही तरीके में। अच्छी अच्छी कंपनियाँ जो मैं वीडियो बनाता हूँ, देखें ये बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, इसीलिए हमारे जितने वीडियोस हैं आप ज़रूर देखें, जिस जो कंपनी आपको ज़्यादा अच्छी लगती है उस कंपनी ज़रूर आएँ। अभी जिस कंपनी की मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये भाई साहब की न्यू स्टेट सर्विस ना, क्या नाम बोलिए? न्यू स्टेट सर्विस, न्यू स्टेट सर्विस कंपनी का नाम है। तो इस कंपनी में अगर आप आना चाहें तो खुशी से आ सकते हैं, इसमें भी बहुत सारे काम होते हैं, क्लीनिंग काम भी होता है मस्जिद का, और इसके अलावा ऑफिस, मॉल, और इसके अलावा बहुत सारी जगहों पर भी काम होता है, इसका मुझे आ सकता है, कोई भी आ सकते हैं। तो बहुत सारे काम होते हैं ना इसमें, तो इस तरीके से अगर आपको कुछ भी काम नहीं आता है, कोई भी एक्सपीरियंस भी नहीं है, आपको पढ़े लिखे भी नहीं है, फिर भी आपकी सैलरी 1000+300 हो, यानी 1300 रियाल है, काफ़ी अच्छी सैलरी है। और खाना, रूम? खाना 300 में, और रूम कंपनी सब कुछ कंपनी, रूम कंपनी का है, खाना तो खुद का है, खाना खुद का है, खाना खुद का है। 1300 नहीं है, ओवर टाइम है, 1300 बेसिक सैलरी है, उसके साथ साथ आपको ओवर टाइम भी मिलेगा। बेसिक मतलब इधर 300 खाना का देगा और बेसिक सैलरी 1000 रहेगा, 1000 का साथ प्लस 1000 के हिसाब से आपको ओवर टाइम का ओवर टाइम भी मिलेगा, ओवर टाइम भी मिलेगा, यानी ओवर टाइम से मिलाकर के तकरीबन हो सकता है कुछ 2 घंटा ओवर टाइम है तो आपका 1500 आ जाएगा, 1500 हो जाएगा, यानी 1500+300 फिर ऐसा हो जाएगा ना? नहीं नहीं, पूरा लेके, पूरा मिला के। अच्छा अच्छा, यानी टोटल मिला के आपको 1500 रियाल हो जाएंगे, तो काफी अच्छा काम है, ज्यादा हो जाएगा, 1600 फ्राइडे करेगा तो 1600+ आएगा, फ्राइडे क्लीनिंग का, फ्राइडे भी काम है। तो इस तरीके से काफी कुल मिलाकर के दोस्तों बेसिक सैलरी भी है, खाने का पैसा अलग से मिलता है, और ओवर टाइम का पैसा अलग से मिलता है ना। तो रूम तो है ही, बाकी पूरा टिकट मिलता है, बाकी शॉप को इस कंपनी का टिकट भी फ्री है, और इसके अलावा आईडी भी फ्री है, और हेल्थ का कार्ड भी फ्री है, सब कुछ आसानी से आपको कंपनी करके देती है। कंपनी अच्छी कंपनी है, इसका जो ओनर है वो बहुत अच्छा इंसान है, यानी कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है इसमें। बड़े से बड़े काम, बड़ा काम भी आपको मिलेगा, छोटे से छोटा काम भी आपको मिलेगा दोस्तों। अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कोई अच्छा काम है, इलेक्ट्रिशियन है, एसी का काम आता है, कंस्ट्रक्शन का काम आता है, या कोई डेकोरेशन का काम आता है, कोई भी काम आता है, तो सारे काम आपको इस कंपनी में मिल जाते हैं। लेकिन इसके लिए आप डायरेक्ट कोई एजेंट, अच्छे एजेंट के जरिए से, या अच्छे मैन पावर के जरिए से डायरेक्ट आप इस कंपनी में आएंगे तो ये कंपनी वाले आपको ले लेते हैं, पूरी फैसिलिटी आपको मिल जाती है दोस्तों। बहुत अच्छी कंपनी है, कमाने का अच्छा मौका है दोस्तों। इधर बहुत आदमी की आज़ाद बिशाल आदमी कंपनी में आने के लिए बोलता है, वो नहीं आ सकता है। आपका वीडियो देख के बहुत आदमी आया, आपको आना है तो डायरेक्ट विषय से आना पड़ेगा, डायरेक्ट विषय से आना पड़ेगा, सही बात है। जो भी भाई देख रहे हैं, देखें आज़ाद वीजा में मत आए, आज़ाद वीजा में आने से कोई फायदा नहीं है। इस कंपनी में अगर आना है तो डायरेक्ट
कोई अच्छे एजेंट के जरिए से न्यू स्टेट सर्विस एक कंपनी का नाम है, इस कंपनी में डायरेक्ट आए, कंपनी के वीजे पे आए, तो आपको कोई टेंशन नहीं है। जैसे ही आप आएंगे काम भी मिल जाएगा, सैलरी भी स्टार्ट हो जाएगी, रूम भी मिलेगा, आईडी भी फ्री है, टिकट भी फ्री है, सब कुछ आपको आसानी से मिल जाएगा, आप खुशी से जिंदगी गुजार सकेंगे। आज़ाद वीज़ा में आएंगे, खुद का पैसा लाखों का जाएगा, और फिर यहाँ आने के बाद ना रूम है आपके लिए, ना खाना है, ना पानी है, ना ड्यूटी है, ना काम है, कुछ नहीं मिलेगा। और जब काम, जब तक काम खुद तलाश करके कर नहीं करेंगे तब तक आपको काम कोई भी नहीं देगा। तो आज़ाद वीज़ा में बहुत ही बड़ी मुसीबत है दोस्तों। तो अच्छा ये बताइए, अच्छा इसमें, अच्छा एक और बात ये है कि मस्जिद में सैलरी के अलावा और कुछ हदिया वगैरह टिप्स वगैरह मिलता है? अल्हम्दुलिल्लाह मिलता है, मतलब खाना का बशा, अच्छा अच्छा सैलरी अच्छा, मतलब आ जाता है, खाना का बशा आ जाता है, मिलता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से मिल जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते रहते हैं ना यहाँ, बड़े लोग छोटे लोग सब लोग आते रहते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर अल्लाह की तरफ से कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इससे पहले भी एक जगह मैं वीडियो बनाया था ना, वो भी बोला था कि उसको भी माशाल्लाह रमजान में तो काफी बहुत मिलता है, वहाँ पर भी वो बोला था मुझे इससे पहले दूसरा मस्जिद में, इधर भी मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह रमजान में, मतलब मैं ऐसा अंदाजा बोल सकता हूँ कि ऐसा 3-4 महीने का सैलरी मिल जाता है रमजान में, आराम से मिल जाता है, सही बात है। बल्कि तो एक और एक आदमी जो मस्जिद का, मैं उसका वीडियो नहीं बनाया लेकिन वो ऐसे ही ऑफ कैमरा बोला, उसको रमजान में माशाल्लाह 15,000 मिल गया, मिल जाए आसान है, बहुत बहुत इजी है, क्योंकि इधर मस्जिद में कितना रमजान में इधर टोटल 17-18 आदमी काम करता है। अच्छा रमजान में, यहाँ रमजान में 17-18 आदमी काम करता है, अगर 2 आदमी रहेगा तो इधर 15-30,000 भी कुछ भी नहीं है, मिल जाता, सही बात है, सही बात है। अच्छा रमजान में इतना आदमी क्यों लाता है यहाँ पर? बहुत काम होता है इधर, काम बहुत होता है, सही बात है, सही बात है, बिल्कुल शिफ्ट होता है इधर, आपका कंपनी का आदमी आता है? पूरा मेरा कंपनी, माशाल्लाह। देखें भाई साहब इस मस्जिद में सिक्योरिटी भी रहता है, 17-18 सिक्योरिटी भी रहता है। अच्छा इस मस्जिद में रमजान में एक्स्ट्रा काम करने वाले तकरीबन कितने आते हैं? 20 मतलब 18-19-20 15-20 आदमी आ जाते हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि रमजान में काम बढ़ जाता है, बहुत लोग नमाज के लिए आते हैं, तो वहाँ पर पानी का बोतल थोड़ा सा कचरा थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, वैसे यहाँ पर कचरा नहीं होता है लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा पाकी सफाई करते हैं, इसके लिए जो है ना पूरी सेफ्टी के लिए फैसिलिटी के लिए एक्स्ट्रा आदमी, और भी अभी फिलहाल तो 2 ही आदमी है रमजान में और 15-20 एक्स्ट्रा आ जाते हैं। देखो कितनी अच्छी कंपनी है ये माशाल्लाह, अगर आप इस कंपनी में आना चाहते हैं तो बहुत ही मज़े ही मज़े हैं दोस्तों आपके। तो इसमें देखें भाई भी बता रहे हैं कि सैलरी के अलावा इसमें टिप्स भी मिलता ही रहता है ना, पूरा साल मिलता रहता है अल्हम्दुलिल्लाह, खाना का बशा, टिप्स भी मिलता है और गिफ्ट भी मिलता है और खाना पानी भी मिलता रहता है, बस अल्लाह की तरफ से ही है, ये नसीब का बात है, इसमें फिक्स बता नहीं सकते कि आपको इतना मिलेगा आपको इतना मिलेगा, ये अल्लाह की तरफ से है, यानी जो सैलरी है उसी के बारे में हमें बता सकते हैं कि सैलरी इतनी है, ओवर टाइम का इतना है, कंपनी की तरफ से वीज़ा फ्री है, टिकट फ्री है, ये सब हम फिक्स बता सकते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा लोग नमाज पढ़ने के लिए जो लोग आते हैं ना, वो लोग आपको कौन कितना देगा वो अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता है। तो कभी कभी हो सकता है कि आप एक ही महीने में आप करोड़पति भी बन सकते हैं, है ना, तो ये आपके नसीब की बात है, बस देने वाला अल्लाह है, लेकिन मिलता तो है पक्का है, ये तो पक्का है। कोई भी मस्जिद में जाएं, कोई भी कंपनी में जाएं, अगर मस्जिद का काम करते हैं वो, है ना, वो मिल जाता है, वो मिल ही जाता है, जिधर भी काम करेगा मस्जिद में मिलेगा, वो तो मिल ही जाता है। तो इस तरीके से है दोस्तों, ये कंपनी का नाम है न्यू स्टेट सर्विस है, और भी इसके अलावा दूसरी मस्जिद कंपनियां हैं, मस्जिद क्लीनिंग कंपनियां, तो कोई भी क्लीनिंग कोई भी कंपनी हो आप उस कंपनी में जरूर आ सकते हैं, बहुत खुशी की बात है। लेकिन मस्जिद का कंपनी में सैलरी थोड़ा तो मुश्किल नहीं, कोई कोई मस्जिद में सैलरी होता है 1,000, 800, 1,200, कोई मुश्किल नहीं, जिसमें जो मस्जिद में 1,000 सैलरी देगा उसमें और 1,000 टिप्स भी आ जाता है, 1,000 टिप्स भी आता है, टिप्स भी आ जाता है। जैसे भाई बता रहे हैं ना, बहुत सारी मस्जिद क्लीनिंग कंपनियां हुई ना, उसमें सैलरी बहुत कम है, 1,000 रियाल है बस, लेकिन उनको टिप्स बहुत मिलता है, भाई बता रहे हैं टिप्स बहुत मिल जाता है, और उसमें कोई रमजान में एक्स्ट्रा आदमी उनके साथ होता भी नहीं है, तो पूरा टिप्स उनको मिल जाता है, है ना, तो ऐसा है। बस इंशाल्लाह जो भी भाई हमारे इंडिया से हो, नेपाल से हो, बांग्लादेश से हो, कहीं से भी देख रहे हैं वीडियो, अगर गल्फ आना चाहते हैं तो ये जितने दुनिया भर के काम हैं उन सब कामों से सबसे बेहतर काम, सुकून वाला, बहुत खुशी वाला, मज़े का काम अल्लाह के घर का काम है। देखिए कितनी खूबसूरत मस्जिद है माशाल्लाह, ऐसी यहाँ पर पूरी मस्जिदें बहुत ही खूबसूरत हैं, तो इस तरीके से आप इस तरह के काम में आना चाहें तो ज़रूर आ सकते हैं और खूब आराम से सुकून से काम कर सकते हैं, है ना। हाँ दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, काफ़ी बहुत ही अच्छी वीडियो थी ये, तो पूरी डिटेल के साथ में आपको मैंने बता दिया है, जो भी भाई आना चाहते हैं ज़रूर इस काम में आएं और इस कंपनी में आएं और डायरेक्ट कोई अच्छे एजेंट अच्छे मैन पावर के ज़रिए से आएं, तो काफ़ी बहुत ही आपको मज़ा आएगा, बहुत पैसा आप कमा सकेंगे। मस्जिद का काम सबसे बेहतरीन काम है, बहुत ही खूबसूरत काम है,
आप अपनी पूरी लाइफ अच्छे से गुजार सकेंगे इंशाल्लाह। ऐसी अच्छे से अच्छी वीडियो दोस्तों आपके लिए बनाते रहेंगे हम इंशाल्लाह। हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मुझे भी और हमारे दोस्त को भी इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह, जज़ाकअल्लाह खैर।